दोस्तों पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्तों बहुत दिनों के बाद डिटेल एपिसोड आप लोगों के लिए फैंसी पिजन्स का आएगा। वैसे मुमानियत फार्म जो है हम आए हैं जहां पे बहुत सारा आपको बर्ड्स और जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी फैंसी पिजन्स से, तो हम फैंसी पिजन्स से ही स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए पूरा फैंसी पिजन्स का एक एक कबूतर नज़दीक से दिखाएंगे। तो हमारे साथ हेल्प करेंगे हमारे जो दो दोस्त हैं यहाँ पे जो फार्म की रखवाली और देखभाल करते हैं। क्या नाम है आपका? तलहा भाई नाम है। और आपका भाई? इमरान भाई। तो इमरान भाई और तलहा भाई की हेल्प लेकर हम फार्म देखेंगे। वैसे दोस्तों पूरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। हमने जो है पैरट्स दिखाए, चिकन्स दिखाए और बकरे वगैरह बहुत कुछ दिखाए। तो अभी हम चलते हैं फैंसी पिजन्स देखने के लिए। माशाल्लाह दोस्तों फार्म इतना बड़ा है ना, इधर डव रखे हुए हैं, ठीक है। फार्म इतना बड़ा है कि हमने फैंसी पिजन्स को सिर्फ ओवरव्यू आपको पिछले वीडियो में करवाया और सोचा कि आप लोगों के लिए फैंसी पिजन्स का एक डिटेल एपिसोड बनाया जाए, क्योंकि ये चैनल भी जो खड़ी हुई थी कहीं ना कहीं संडे मार्केट में पिजन्स के वीडियो से ही शुरू हुई थी और आज गुजरात में काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला है हमें। तो पहला बाड़े में चलते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक बाड़े ही बाड़े हैं। पहले बाड़े में अमेरिकन फेंटेल रखे हुए हैं, तो कुछ कलर्स नज़दीक से देखेंगे। और दोस्तों मैंने शुरुआत में ही जो पोस्टर पे जो नंबर है उस पर आप लोग अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट चाहिए आपको है तो यहाँ पर चिक्स जब भी आते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी आखिर में मैं बहुत सारे चिक्स अवेलेबल है वो दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ मास्टर पेयर देख लेते हैं। सारी देखिए सारी मास्टर पेयर है और अभी सभी को रेस्ट पे रखा है ना? हाँ, रेस्ट पे और रेस्ट पे रखा है। चिक्स है। अच्छा, चिक्स भी है। अच्छा, ये दोस्तों अवेलेबल हैं, कुछ चिक्स यहाँ पर हैं, ये सब सेमी अडल्ट हो गए, ठीक है। और साथ मास्टर पेयर सब अंदर है ना। ये एक लॉन्ग फेस की पेयर देखते हैं, चलिए। तो ये लॉन्ग फेस की पेयर है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। ऊपर किंग की पेयर है, किंग देखते हैं। ये किंग की पेयर है। तो पिछले वीडियो में सिर्फ हमने बाड़े में झाक झाक के ही देखा था, लेकिन अभी इसके अंदर भी सिर्फ फेंटेल के साथ साथ बहुत सारी पेयर है। यहाँ पर ये लॉन्ग टेल लॉन्ग हेड का एक जोड़ा है। लॉन्ग हेड की तरह ही शॉर्ट फेस भी दोस्तों एक पिजन्स की ब्रीड आती है, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। एक बच्चा है, देखिए, मेल लगता है वाइट है और फीमेल ब्राउन है। अब चलिए दोस्तों फ्रिल बैक देखते हैं यहाँ पर। तो आज आपको जो फैंसी पिजन्स देखना है वो देख सकते हैं। वैसे भावनगर में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये फ्रिल बैक कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बाड़े में चलेंगे। ये बाड़ा नंबर 1 था, ठीक है। अब बाड़ा नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर शायद हंगेरियन रखें। हाँ, हंगेरियन है, वाइट टॉप है। ओके, वाइट टॉप हंगेरियन है और बुखारा है। हाँ, बुखारा है और फ्रिल बैक भी है। फ्रिल बैक भी है, ओके। मिक्स में थोड़े से रखे हुए हैं। और यहाँ पर अमेरिकन सेंट भी है सामने। चलिए बाड़े नंबर 2 से और मूर हेड सामने दिखा देता हूँ। बीच में जो बैठा है ना उसको मूर हेड कहते हैं पिजियन को। चलिए नेक्स्ट पिजियन की तरफ चलते हैं। ये बाड़ा नंबर 2 हो गया, ये बाड़ा नंबर 3। इनमें क्या है, मेल फीमेल अलग अलग किया है, अभी ब्रीडिंग बन है तो इसमें इसमें मेल है। हाँ, इसमें सब फीमेल है। फीमेल है, ओके। मेल फीमेल दोस्तों ब्रीडिंग करने के लिए अलग कर दिया है ताकि उनको रेस्ट मिल जाए ना। ठीक है, रेस्ट के लिए रखा है, ठीक है। तो ये पाउटर कहे जाते हैं, पाउटर में भी काफी ब्रीड आती है, लगभग 78 रिएसिबल है, हाना है पोमेरियन है। पोमेरियन है, ओके, ठीक है। 3 ब्रीड के पाउटर यहाँ पर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों ये हमारी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पाउटर के फार्म के वीडियो बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो जाकर चैनल को आप एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब नेक्स्ट बाड़ा 4 नंबर, यहाँ पर मूर है, यहाँ पर अमेरिकन सेंट है, यस, ठीक है। ये अमेरिकन सेंट कहे जाते हैं। अमेरिकन सेंट के पाँव में मोजे होते हैं, नकाब बना होता है
जबकि जेकोबिन पिजियंस का सिर्फ नकाब होता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। चलिए नेक्स्ट बाड़े में चलेंगे। यहाँ पर 5 नंबर में दोस्तों फोस्टरिंग पेयर रखी हुई है, वो भी अच्छी खासी हेवी रखी है इन्होंने। ठीक है, वाइट टॉप ट्रम्पेटर रखे हैं यहाँ पर, सॉरी ट्रम्पेटर है, हंगेरियन है। ठीक है, जो अच्छी भराई करते हैं बच्चों की, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल दोस्तों कबूतर के 10 बाड़े बने और बहुत तबीयत से बनाए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए हुए हैं। चलिए यहाँ पे हमने फीमेल देखी, यहाँ पर मेल है, मेल है, सारे मेल है। ठीक है, यहाँ पर मेल पाउडर है। चलिए नंबर 7 की तरफ चल जाते हैं। ये पूरा डिटेल एपिसोड हम बनाएंगे जहाँ एक एक कबूतर को अच्छे से नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ इंडियन फेंटेल है, ये देखिए, ये इंडियन फेंटेल है। ठीक है, पूरा इंडियन फेंटेल का है। ठीक है, पूरा इंडियन फेंटेल का सेक्शन है। ठीक है, अमेरिकन फेंटेल पिजियंस दोस्तों भारतीय फेंटेल पिजियंस से ही मिलाकर इन लोगों ने बनाया हुआ ब्रीड है। जितने भी फैंसी पिजियंस हैं वो क्रॉस ब्रीड करवा करवा के नई ब्रीड बनाए गए हैं, नए म्यूटेशन बनाए गए हैं। ठीक है, ये 8 नंबर का बाड़ा है, पूरा फोस्टर का ही है, पूरा फोस्टर है, होमर वगैरह है इसमें, पूरा होमर ही है। होमर दोस्तों बहुत अच्छी ब्रीड करता है और फोस्टरिंग के लिए काफी लोगों को होमर यूज करते हुए मैंने देखा है, तो यहाँ काफी होमर है। चलिए नेक्स्ट बाड़े में चलेंगे और ये 10वें नंबर का हमारा बाड़ा है, आखिरी बाड़ा है। 9 नंबर भी है, 9 नंबर अंदर है, जहाँ पर है सेटिनेट पिजियंस हैं और मुखी है, मुखी हैं, सेटिनेट हैं, सामने सेटिनेट पिजियंस हैं। ठीक है, मुखी है वहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कुछ अमेरिकन फेंटेल है। फीमेल अलग किया है। अच्छा, फीमेल अलग किया है, एक नंबर का है। हाँ, वो मेल वो वहाँ है। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 10वें नंबर का यहीं अंदर पे ही है, ये सब अवेलेबल है। आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ। चलिए, ये सारे सेटिनेट है, सार्टिन कहते हैं कुछ लोग लोकल लैंग्वेज में। इनके चेस्ट पे एक छोटा सा गुलाब होता है और ये जर्मनी की ब्रीड है, मैंने पाला है, बहुत ब्रीड करवाया है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है ये। ये अमेरिकन सेंट है, वाइट टॉप है, ये सेंट है, ये अमेरिकन सेंट नहीं है, ये भी अमेरिकन सेंट ही है ना, वो वाइट टॉप में हम गिनते हैं। हाँ, अच्छा, वाइट टॉप में गिनते हैं, पर है अमेरिकन सेंट है। ओके, यहाँ पे भी अमेरिकन सेंट है। ओके, यहाँ पे भी पूरे अमेरिकन सेंट है। तो स्क्रीन पे दोस्तों मैं पोस्टर लगा रहा हूँ, उस पोस्टर को आप देख लीजिए, उस पर आपको बाकी की डिटेल मिल जाएगी। ये हंगेरियन के चिक्स है, हंगेरियन के चिक्स है। ओके, साइज बहुत बड़ी होती है दोस्तों हंगेरियन कबूतर की, बिल्कुल मुर्गी के बराबर का ये कबूतर है। यहाँ पर ये पाउटर है, हंगेरियन के चिक्स है, ये पाउटर के हैं, पाउटर के बच्चे पाउटर ही बड़े करते हैं, फोस्टर के पास बड़े फोस्टर, फोस्टर के पास फोस्टरिंग करवाते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो कप्तान पर्पन देखा है हमने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पर्पन। हाँ, ठीक है, ओके, सिराजी में, ये सिराजी, वो भी चिक्सी है सब, ये भी पाउटर के बच्चे। तो बहुत सारे दोस्तों फैंसी पिजियंस है, ये लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड पिजियन एक ही है। दो पीस है ना। ठीक है, बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों ये लॉन्ग हेड भी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और आपको गिनी फाउल दिखाते हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने ख़त्म किया 10 नंबर केज पे पिजियंस। अब 11 नंबर पे जो है यहाँ पर फिर से चिकन है,